गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। आई एम संदीप मेकर, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का इस टॉपिक को लेके क्वेरी रहता है, डाउट्स रहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है, डोमेन को निकालना है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने इस टॉपिक में कवर किया है, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो प्लीज़ कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपको जो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले दिखेगी, मैं आपको एक लैडर यहाँ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से दिस इज़ अ लैडर फॉर यू गाइस। अब इस लैडर का क्या बेनिफिट है, अगर आपका कोई स्टेप यहाँ रखा है ना, और अगर ये हवा में स्टेप है, तो अल्टीमेटली आप क्या होगा, आपका वो स्टेप इस स्टेयर पर पड़ेगा। अगर आपका, फिर से मैं बोलूं, अगर आपका जो फीट हैं, अगर वो फीट्स आपके अगर यहाँ पे हैं, हवा में हैं, तो वो अल्टीमेटली नीचे जाके इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यही रोल है बेटा। यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे लिखा है 1, ये 0 और ये -2 है, और कोई नंबर, और लेट्स से दिस इज 2। ठीक है, अब कोई भी नंबर इनके बीच में अगर है, 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, तो वो गिर के कहाँ पहुँचेगा, सीधे 1 पे। ऐसे ही कोई 0 और -1 के बीच में कोई भी नंबर है, वो तो वो गिर के कहाँ पहुँचेगा, -1 पे, क्योंकि ये आपके स्टेयर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको आप कहीं ना कहीं स्टेप फंक्शन भी बोलेंगे, लेकिन वो कब बोलेंगे वो भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था, उसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 1.75 लिखा है ना, 1.75 अगर लिखा है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है आपका ब्रैकेट के अंदर x। ठीक है, तो अगर कल के दिन आपके x की वैल्यू 1.75 हुई, तो आपका आंसर जो आएगा बेटा इसको सॉल्व करके, वो आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, क्यों? बिकॉज 1.75 से जो नीचे एक इंटीजर है, इंटीजर जो है वो है 1 यहाँ पे। इंटीजर्स कौन होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे लोग इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये हमें पता है। सिमिलरली इफ़ आई से कि माई नंबर इज 0.001, ठीक है, तो 0.001 कहीं ना कहीं यहाँ पे है, वो ज़ीरो से ऊपर है, तो जब वो वापस नीचे गिरेगा तो वो भी एक ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। एक और अगर नंबर लो आपके लिए, -2.3, अगर आप गौर से देखें, तो अगर ये -2 है और ये -3 है, तो -2.3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और जो कि नीचे गिर के कहाँ पे पहुँचेगा, -3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं गेम में थोड़ा सा और आगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब मैं x को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर 3 आ रहा है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप x की वैल्यू क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो यार, हो सकता है अगर आंसर 3 आ रहा है तो x की वैल्यू 3.1 हो, x की वैल्यू 3.2 हो, x की वैल्यू 3.999 तक हो, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये जब नीचे गिरेगा तो 3 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपके लिए और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन का आंसर 3.11 हो, या आंसर, मतलब अगर आपसे 3 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हो, जब आप ऑलरेडी इसी पॉइंट पे बैठे हैं, तो आप नीचे गिर तो सकते नहीं। तो इन दैट केस अगर आप 3.11 आंसर दे रहे हैं, तो भी आंसर 3 होता है, और जब आप 3 लिखते हैं तो भी आंसर 3 होता है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट ऑलरेडी अपने इंटीजर वाले पॉइंट पे बैठा है, तो वो वहाँ से नहीं गिरेगा। वो वहाँ से नहीं गिरेगा का मतलब क्या है कि उसका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर इसका आंसर 3 है, तो चांसेस आर देयर ये 3.1 हो, 3.22 हो, 3.99 हो, और ये 3 भी हो सकता है। सो यू विल राइट x की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 4 होगी, लेकिन वो 3 से बड़ी और 3 के इक्वल भी हो सकती है ना। तो ये आपका एक आंसर यहाँ से हमें ये पता चला। सिमिलरली अगर मैं कल के दिन आपसे बोलूँ यार, मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू यार x k आया है ना, तो इसी मेथड पे आप क्या बोल सकते हैं, अगर इसका वैल्यू k आया है, तो डेफिनेटली x की वैल्यू किस से छोटी होगी, k+1 से, है ना। जैसे यहाँ पे आंसर 3 था, तो वो यहाँ पे 3+1 4 बना, और x की वैल्यू या तो k होगी या k से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी।
एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। सपोज 2x माइनस 3 का आंसर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि आपका आंसर 3 आए, तो आपको बहुत रिलैक्स होके देखना है। आपने क्या बोला कि आपका 2x माइनस 3 है ना, अगर ये आंसर आपको 3 दे रहा है तो डेफिनेटली ये नंबर 4 से छोटा है, लेकिन 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा। अब आपको यहाँ x पे पहुँचना है, x पे अगर पहुँचना है तो धीरे धीरे आपको ये स्पेसेस को खाली करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से माइनस का 3 हटाना है तो आपको यहाँ पे प्लस 3 करना पड़ेगा। अब ये हट गया, ये हो गया 2x, ये किससे छोटा है 7, और ये यहाँ पे 6 हो गया। अब आपको x की वैल्यू देनी है। x की वैल्यू देने का मतलब क्या है कि इस 2 को भी रिमूव करना है, और 2 को रिमूव करने का क्या मेथड होता है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे को 2 से। तो जब आप इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 7/2। तो कहीं ना कहीं जो आपके x का आंसर आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यू विल से x का जो वैल्यू होगा वो 3 हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, बट वो 7/2 तक ही जाना चाहिए। तो इसको लिखने का एक स्टाइल ये भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताई गई हैं, ये जो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ये आपको एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका कर्व या इसका ग्राफ बनता कैसे है। अब अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहूँ, तो दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ लेट से -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको अगर 0 डालूँ, तो 0 डालने से 0 मिलता है, 0.1 डालने से भी 0 मिलता है, 0.9 डालने से भी 0 मिलता है ना। लेकिन 1 डालने से, अगर मैं x की जगह 1 डालूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आप इसको जूम करके देख पा रहे हैं, 0 डालने से 0 मिला, 0.9 डालने से भी 0 मिला, तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ को आप देखें तो ये रेड पोर्शन यहाँ तक पहुँचा, लेकिन 1 डालने से 1 मिला। तो एक चीज़ क्लियर है, जैसे ही 1 पे वैल्यू पहुंच रही है, आपका आंसर 1 हो रहा है, और ये 1.9 तक कंटिन्यू रहेगा। 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये ओपन इंटरवल में, आपको पता है, आप ऐसा एक होल बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.9 तक आपने यहाँ तक इंक्लूड किया, लेकिन जैसे ही आपने 1 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर आप 1 को इंक्लूड करते तो आपका 0 नहीं आता। 1 को इंक्लूड जब किया गया है तो आंसर 1 आया है, तो यहाँ चलता रहा, और यहाँ पे फिर होल लगा 2 के आगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1.99 भी लोगे बेटा तो भी आंसर 1 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुँचोगे आपका आंसर 2 आएगा। तो 2 के लिए ये वैल्यू आपको 2 आंसर देगी, ऐसे ही ये 2.99 तक चलता रहेगा, ऐसे ही ये नीचे चलेगा, ऐसे ही ऐसा चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने में, ये जो चीज़ें लग रही हैं, डोंट यू थिंक, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ स्टेप फॉलो कर रहा है, ये कोई सीढ़ी आपको दिख रही है, ठीक है। तो डैट इज़ वाई इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला गया है, ठीक है, और ये स्टेप फंक्शन का भी पार्ट है। हालांकि स्टेप फंक्शन में आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएगा, लेकिन फ्लोर फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बनेगा। तो आई थिंक इसका ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये डॉट्स, ये जो होल यहाँ पे इसलिए लगाए हैं बिकॉज मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं एक्स को 1 ले लूँगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो 1 से पहले जितनी भी वैल्यू है, जिसमें 0 को इंक्लूड किया है, तो उसके लिए 0, 1 से लेके 2 से पहले तक के लिए आंसर 1, 2 से लेके 2.999 तक के आंसर 2, क्योंकि अगर 3 आ जाएगा तो ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को वी विल डिस्कस एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की या फ्लोर फंक्शन की ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखिए। देखिए, मैं पहला प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपका एक्स किसी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, है ना, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो x है, अगर मैं x की वैल्यू को 1.9 ले लूँ इन केस, ठीक है, इन केस में से 1.9 ले लूँ, ठीक है, तब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे उसको देखते हैं।
अगर मैं इस एक्स की जगह 1.9 डालूं तो आपको पता है ये रिवर्स होके आपको 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 1.9 डालने से एक स्टेप नीचे आने से 1 देगा, और अगर यही चीज़ माइनस का 1.9 होगा तो ये एक स्टेप नीचे गिर के -2 दे देगा, तो दिस विल गिव यू माइनस का 2 यहाँ तक। और 1 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे यू विल गेट -1। तो यही वो चीज़ वो बोल रहा है, जब आपका एक्स को इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब आप प्लस करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको -1 हमेशा मिलेगा। ये था पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में इफ़ आई विल से कि ये एक इंटीजर के बराबर ही है, और लेट से मैं एक्स की वैल्यू को अब यहाँ पे अगर 3 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 लिखने से आपको 3 ही मिलेगा, और यहाँ -3 होने से आपको -3 ही मिलेगा, जो कि कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट रट्टाफिकेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस करी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन होता तो क्या चेंजेस आते हैं, फिर से देखते हैं। लेट से आपका एक्स इंटीजर नहीं है, तो एक्स को अगर मैं 1.9 फिर से लूँ, तो यहाँ पे 1.9 डालने से ये बनेगा 1, और माइनस का साइन ये है, और यहाँ पे 1.9 डालने से ये बनेगा -2। दिस इज़ नथिंग बट 3, और 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले देखो ना, 1.9 डालने से यहाँ 1 आया था, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तभी तो ये 3 बना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं आप अगर इस x को कोई इंटीजर रखते हैं, लेट्स से अगर मैं 2 रख दूँ, तो 2 माइनस माइनस 2, तो ये 2 हो गया माइनस ये, और माइनस के 2 रखने से -2 ही आता, और वो प्लस होके क्या हो जाता, 4। और प्लस होके 4 होने का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 यानी 4, यानी 2 इंटू एक्स, क्योंकि x को इस बार आपने 2 बनाया था, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को प्लीज़ आप डायरेक्टली याद रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है, और अगर आपको यहाँ पहुँचना भी है तो यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होने जा रहे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं यार इसके ऊपर। आपने ग्राफ देखा, ये दो प्रॉपर्टीज़ देखी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, एंड इफ आई विल टेक फ्यू प्रॉब्लम्स फॉर यू गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मैं उन्हें डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर कोई फंक्शन आपका यहाँ पे 1/√x+g_x है, तो भाई इसका डोमेन क्या होगा आपको ये बताना है। डोमेन वो वैल्यू होती है जो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा यार, ठीक है। अब देखते हैं, अगर इसको एक वैलिड आंसर देना है, अगर किसी फंक्शन को वैलिड आंसर देना होता है, तो आपको 1/0 या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टाइम्स। तो इसका मतलब ये है, अगर अंडर रूट के अंदर ये बैठा है सर, एक तो इस नंबर को 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये इनवैलिड के केसेस हैं आपके आगे, ठीक है। और सिमिलरली सर, इस नंबर को 0 से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो इस पूरे केस को अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसा, हाँ अगर मैं इस पूरे केस को कुछ ऐसा लिखूँ तो चलेगा बॉस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को जब ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, ये जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी कोई वैलिड आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो देखते हैं। आपका ये पॉजिटिव किस केस में होगा, जब भी आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब आपका आंसर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेट्स ट्राई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। x को चलिए बाय चांस मैं यहाँ 0 रखता हूँ, लेट्स से मैं आपसे यहाँ 3 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। x को 0 लेने से ये क्या हो जाएगा, 0+0 जो कि 0 के इक्वल आएगा, और 0 तो हम इसको रख नहीं सकते, तो ये वाला कैंसिल। अगर x 0 से छोटा होता, माइनस कोई माइनस का गेम होता, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर x को मैं -1 ले लूँ, दिस इज़ योर सेकेंड केस, -1 लेने से ये क्या होता, -1+, फिर यहाँ -1 आपको -1 ही देता, तो वो -1 यहाँ डालने से ये क्या हो जाता, -2, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो ये केस भी कैंसिल। अब तीसरे केस में आपने x को ग्रेटर देन 0 लिया, और लेट्स से आपने x को यहाँ पे 2 वैल्यू ली,
टू डालने से अब क्या होगा, ये बना 2 + 2 यानी एक पॉजिटिव नंबर, है ना। तो कहीं ना कहीं आप एक्स की वैल्यू यानी आप एक्स में 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है हमेशा वैलिड फंक्शन होगा। तो आपका यहाँ पे डोमेन क्या बनता है बेटा, आपने बोला आपका जो एक्स का वैल्यू है उसको आप 0 से बड़ा नंबर ले लीजिए कोई भी और इन्फिनिटी तक लेते रहिए, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन, ठीक है। तो ये डोमेन वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसी का दूसरा प्रॉब्लम आप ले लूँ जहाँ पे मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है, अब इस बार यहाँ माइनस है यार, अब इसको भी देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो भी यहाँ पे लिखी है जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, ना तो ये 0 के इक्वल होगी ना ये नेगेटिव हो सकती है, इसको भी ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा तभी कोई वैलिड आंसर आपके पास आएगा। अब यहाँ आप कुछ रैंडमली वैल्यूज़ डाल लें, लेट से आपने एक्स को 2 पुट किया, एक्स को 2 पुट करने से ये 2 - 2 के 0 हो जाएगा, एक्स को आपने -2 पुट किया, -2 डालने से ये फिर से 0 हो गया क्योंकि -2 तो -2 ही देगा। तो आपने देखा यार आप कोई भी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, 0 डालेंगे तो 0 सर 0 आ जाएगा, अगेन 0। तो यू कैन सी आप जहाँ पे जब भी इंटीजर्स पुट कर रहे हैं, दीज आर इंटीजर्स, आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आपने एक एक्स को 1.7 डाल दिया इन केस, तो 1.7 डालने से ये 1.7 हुआ, माइनस 1.7 डालने से यहाँ से क्या निकलेगा 1, और ये 1.7 - 1 इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर। देन यू गैज रियलाइज्ड और यू गैज विल ऑल्सो रियलाइज्ड कि अगर मैं एक्स की जगह अगर मैं एक्स में कोई भी इंटीजर डाल रहा हूँ तो मेरा आंसर इनवैलिड हो रहा है, और अब मैं दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल दूँ तो इनवैलिड नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप सारे रियल नंबर्स डाल दें एक्सेप्ट इंटीजर्स, एक्सेप्ट इंटीजर्स ये इंटीजर्स का सिंबल होता है ना, अगर आप इंटीजर्स को छोड़ के कोई भी नंबर एक्स में पुट करें तो आपका वैलिड आंसर आ रहा है। तो जो आपका डोमेन यहाँ पे हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा R - Z, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे जेड भी बोला जाता है, तो कोई भी इंटीजर्स को आप नहीं डाल सकते, आप सारे रियल नंबर डाल सकते हैं, इंटीजर्स आप नहीं डाल सकते, ठीक है यार। अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये भी, इसको भी आराम से देखिएगा, इसमें भी आपको डोमेन चाहिए इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो इसका मतलब है यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर -x और -6, अगर ये एक वैलिड फंक्शन होना है तो डेफिनेटली इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे ये बनेगा mod x - 3 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ब्रैकेट के अंदर एंड दिस इज +2, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, एक मुझे आप बड़ा सिंपल सा चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू देखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ मॉड एक्स का वैल्यू देखना चाहूँ या चल मैंने अगर नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स है मुझे एक वैल्यू देगा 3 और एक वैल्यू देगा -2, ठीक है। ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी तक गेम चल रहा है। अब सुनिए, अब अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसको सॉल्व करके एक पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यार क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ, अगर मैं कोई 3 से बड़ा नंबर ले लूँ, लेट से मैं 3.1 ले लूँ, तो क्या मैं 3.1 को पुट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 3.1 को पुट करूँगा तो 3.1 को पुट करने से ये बन जाएगा 3 और ये माइनस का 3 है और ये हो जाएगा 3 + 2 और ये तो यार 0 हो जाएगा, ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा। हमें 0 के इक्वल तो देना नहीं है, हमें 0 के इक्वल नहीं देना है, हमें तो 0 से बड़ा देना है, तो 3.1 नहीं चलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ आपको इवन 3.999999 ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये भी जब इसके अंदर जाएंगे तो ये भी 3 बन के निकलेंगे और ये तो फिर से 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपने सोचा कि 3 से बड़ा नंबर अगर मैं 4 को एज्यूम करूं, अगर मैं 4 को एज्यूम करूं तो कैन आई पुट 4, क्या मैं 4 पुट कर सकता हूं। 4 को यहां पुट करने से ये बनेगा 4 - 3 और ये बन जाएगा 4 + 2 यानी 6, यानी एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। सो यस, आपने एक चीज़ का पता कर लिया, आप 4
और 4 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये सीरीज जो यहाँ लिखी है डेफिनेटली डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आंसर ही देगी। तो हम इसमें x की जगह 4 या 4 से बड़ा नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत दूर है गेम, क्या मैं यहाँ -2 डाल सकता हूँ यार बताइए? अगर मैं -2 को पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा और 0 तो हमें चाहिए नहीं, तो -2 भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या -2 से 3 के बीच में कोई नंबर पुट कर सकते हैं? लेट्स से अगर मैं 0 ले लूँ यहाँ पे, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 0 डालने से ये नेगेटिव हो जाएगा, -3 यहाँ 0 डालने से प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप माइनस इंटू प्लस करेंगे तो एक नेगेटिव टर्म आएगा, लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, यानी इस इंटरवल का तो किस्सा ही ख़त्म। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ यही एक ऐसा वैल्यू दिख रहा है जिसकी वजह से ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। अब आप -2 के पीछे चले, -2 से पीछे आपने -3 एज्यूम किया, चल अब अगर मैं यहाँ -3 ले लूँ और -3 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये माइनस का 3 बनेगा और ये भी माइनस का 3 है, माइनस 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 का 6, यहाँ -3 करोगे और उसमें प्लस का 2 करोगे तो ये आपको क्या देगा, माइनस का 1, और माइनस माइनस इज़ अ पॉजिटिव टर्म। तो नाउ यू कैन सी इस इंटरवल से पीछे कोई भी वैल्यू डालने पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एक चीज़ और अगर मैं आपसे बोलूँ, माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं -2 के बीच में कोई और वैल्यू भी पुट करूँ तो मेरा ये जो फंक्शन है, मेरा ये जो फंक्शन है ये हमेशा मुझे पॉजिटिव दे रहा है। तो यानी दिस इज़ आवर डोमेन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बन जाएगा हमारा डोमेन, क्योंकि इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये लेक्चर एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर होंगी चीज़ें कि यहाँ पे क्या है। ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शंस के कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।